एक और खबर निकल के आ रही भाई यूट्यूब की ओर से, जिस तरह से हम पहले भी देखेंगे कि देख रहे थे कि ट्विटर के ऊपर जिस तरह से वेरीफाइड अकाउंट आ रहे थे उसमें ये वो ब्लू टिक दिखा रहे थे, वैसे भी फेसबुक में भी अभी दिखा रहे हैं कि जो वेरीफाइड अकाउंट है, सेलिब्रिटी के अकाउंट है, वो वेरीफाइड अकाउंट है, मतलब कि वो ब्रांड है कुछ उस तरह का जो है ना, उसका जो पेज होता है वो वेरीफाइड अकाउंट के तहत दिखा रहा था होता है। इंस्टाग्राम में भी अभी ऐसा दिखा रहा है। तो एक तरह से यूट्यूब भी अब एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है भाई कि आपका जो चैनल है वो वेरीफाइड होगा, वो ऐसा दिखाएगा कि मतलब यूट्यूब दिखाएगा आपको कि भाई आपका जो चैनल है वो वेरीफाइड है। तो किस तरह से देखते हो भाई तुम इसको? सही बात है भाई। और यहाँ पे जैसे क्या था कि YouTube में ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी, तो अभी YouTube ने क्लियर कर दी है कि अगर वेरिफिकेशन चाहिए तो आपको किस तरह से प्रोसेस करनी है, अप्लाई करना है किस तरह से। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हो जाता है कि हमको पता नहीं होगा ओरिजिनल क्रिएटर का अकाउंट है या किसी और का अकाउंट है, नेम सेम लिख दिया है और सही बात प्रोफाइल सेम है तो हमको ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया अभी कि कम से कम आपको 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये होना चाहिए कि आपका खुद का अकाउंट है या फिर किसी ब्रांड अकाउंट है, तो ये दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हैं। फिर ये भी नहीं होगा कि किसी और की ब्रांड का अगर आप रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे, किसी और के नाम का नहीं करवा पाएंगे, अगर 1 लाख हो भी गए तो भी, तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे। बट एक अच्छा यह रहेगा कि वेरीफाई करने का एक पूरा सिस्टम इन्होंने बता दिया है हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते आपको यहाँ पे, उसका उनका कहना है। बट जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि ऑथेंटिक आप होने चाहिए, यानी कि क्रिएटर है, ब्रांड है या कोई भी, मतलब सही तरह से आपको आपका जो काम है वो देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद जो आपको वेरिफिकेशन मिलेगा। मतलब कि एक तरह से अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो आपको अप्लाई करने पड़ेगा, फिर गूगल आपका, सॉरी यूट्यूब आपका जो चैनल है वो रिव्यू करेगा और आपको फिर वेरिफिकेशन देगा। तो एक तरह से ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कि यूट्यूब ऐसा भी कह रहा है कि ये वेरिफिकेशन आपको हर बार नहीं मिलेगी, मतलब कि अगर आपका जो यूजर्स होते हैं उसके नंबर जो अगर चेंज होते हैं 1 लाख से कम होते हैं तो वो आपका जो वेरिफिकेशन है वो चला जाएगा, आप वेरीफाइड नहीं रहेंगे भाई। तो एक तरह से मतलब चेंज होता रहेगा, अगर आप अपना यूट्यूब का नाम भी चेंज करते हैं जो चैनल है उसका, तो भी आपका जो वेरीफाइड अकाउंट है वो भी चलाया जाएगा। और आप अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है जो यूट्यूब की, वो भी अगर वायलेट करेंगे तो भी आपका चैनल शायद टर्मिनेट होगा या फिर आपका जो मतलब कि जो वेरिफिकेशन है वो भी चला जाएगा। तो मतलब एक तरह से फिक्स नहीं है, अगर आपके चैनल में सब्सक्राइबर चेंज हो गए या फिर आप कुछ नाम चेंज करेंगे या फिर जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो वायलेट करेंगे तो भी आपका मतलब ये जो वेरिफिकेशन है वो चला जाएगा भाई। सही बात है भाई। और ये जो क्या है कि यहाँ पे ये सारे मतलब रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वेरिफिकेशन रहेगा तो एक पता चलेगा कि ओरिजिनल अकाउंट है या नहीं है। तो ये अभी तक उन्होंने दिया नहीं था, तो अभी उन्होंने बताया कि एक क्या होना चाहिए कि चैनल पब्लिक होना चाहिए, फिर चैनल बैनर डिस्क्रिप्शन है, चैनल आइकॉन है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और यूट्यूब पे एक्टिव होने चाहिए, यानी कि आपने मतलब वीडियोज़ कंटिन्यूसली एक्टिवली डालने हैं और उसके बाद अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरी बात भी ये है कि जैसे आपके चैनल का जो नाम जो है वो आपको डिसाइड ऐसे करना पड़ेगा कि जैसे यूनिक हो, किसी और ब्रांड का नाम ना हो, किसी और का नाम ना हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे अगर सही से अगर सब होगा तो फिर आपको